हेलो दोस्तों, मैं बीएल शर्मा और आप सभी का हमारे नए वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन बने हुए हैं जिनमें से एक सोल्ड आउट है और एक अवेलेबल है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये वाला दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप इस इंडिविजुअल हाउस का शानदार फ्रंट एलिवेशन देखिए। बहुत ही ज़बरदस्त फ्रंट एलिवेशन हमें यहाँ पर मिल रहा है। डायमेंशन की हम बात करते हैं तो 20 फीट का फ्रंट है और 40 फीट की डेप्थ है। 20x40 का है, 88 वर्ग गज के अंदर ये बना हुआ है। फुल डुप्लेक्स है, डबल किचन आपको इसके अंदर मिलता है। 4 बेडरूम का ये इंडिविजुअल हाउस है। दोस्तों, ईस्ट फेसिंग ये इंडिविजुअल हाउस है। इसके सामने 30 फीट रोड है और ये नियर बाई की लोकेशन है। ये देखिए, जहाँ पे आसपास में एक अच्छी खासी बसावट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। बात करते हैं यहाँ पे फैसिलिटीज़ की, तो नियर बाई में आपको स्कूल, हॉस्पिटल और मार्केट जैसी सभी फैसिलिटी इजीली अवेलेबल हो जाती है। अगर आप इस प्रॉपर्टी पर लोन लेना चाहेंगे तो 80% तक इजीली आपको लोन मिल सकता है, क्योंकि ये सोसाइटी के अंदर ये प्रॉपर्टी है और इसके अंदर आपको बैड डेट का पट्टा मिलता है। और ये नियर बाई की लोकेशन, दोस्तों यहाँ की लोकेशन की हम बात करते हैं तो ये कालवाड़ रोड पर हाथोज में है। हाथोज से जो लालचंदपुरा रोड जा रही है उसी रोड पर ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। सामने की तरफ आप देख सकते हैं, हाथोज से जो लालचंदपुरा रोड जा रही है वो आपको यहाँ से ही नज़र आ रही है। बिल्कुल पास में ही ये रोड मिलने वाली है आपको। और आज का ये जो विला मैं आपको विजिट करवाने वाला हूँ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस का है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप इस प्रॉपर्टी की विजिट करना चाहते हैं तो जो सामने नंबर आ रहे हैं एमएल के बिल्डर्स के, उनसे आप डायरेक्ट बात करके और इस प्रॉपर्टी की विजिट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर रैंप बना दिया गया है और इस तरफ हम देखते हैं तो बहुत ही अच्छा स्पेस बनाया गया है पेड़ पौधों के लिए। ये देखिए, ये सामने की कुछ डिजाइन हमें यहाँ पर इस टाइप की मिल रही है। और यहाँ पर है आयरन के डबल डोर जो एक अच्छी क्वालिटी के अंदर बनाया गया है। जैसे हम अंदर आते हैं तो यह है पोर्च एरिया जहाँ पे आपकी एक छोटी 4 व्हीलर इजीली पार्क हो जाती है। स्टेयर्स यहाँ पे बाहर से है तो आप चाहें तो एक पोर्शन अभी भी रेंट आउट करके और एक पोर्शन में आप इजीली रह सकते हैं। ये देखिए, ये पूरी डिजाइन यहाँ पे। और अब हम चलते हैं सीधा अंदर। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे अंदर आते हैं तो बहुत ही अच्छी साइज़ का हमें यहाँ पर हॉल मिलता है। 13x12 अप्रोच इस हॉल की साइज है और इसके अंदर हमें फॉल सीलिंग की डिजाइन मिल रही है। इस कॉर्नर के अंदर स्टोरेज की फैसिलिटी के साथ ऑस्पेशन है। इस वॉल पे भी बहुत ही अच्छी डिजाइन हमें यहाँ पे तैयार करके दी गई है। और यहाँ पे है कॉमन वॉशरूम, 1 बेडरूम आपको बेड साइड में मिलता है। यहाँ पर आपका किचन और इस हॉल के अंदर ये देखिए, ये है इसका LED पैनल। और यहाँ पर है दूसरे नंबर का बेडरूम और ये देखिए एक छोटा सा स्पेस भी यहाँ पे छोड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको मॉड्यूलर किचन दिखाते हैं यहाँ का। ये देखिए, टॉप और बॉटम दोनों तरफ कैबिनेट की फैसिलिटीज है, अच्छा स्पेस है। बेड साइड में इस तरफ विंडो भी हमें मिल रही है। और यहाँ पे है दोस्तों कॉमन वॉशरूम, ये देखिए। और पहले नंबर का बेडरूम देखते हैं जो है बेड साइड में, बहुत ही अच्छे स्पेस का ये बेडरूम है। 14x12 अप्रोच इस बेडरूम की साइज है और इस वॉल पे डिजाइन आप देख सकते हैं, शानदार फॉल सीलिंग की डिजाइन है। सभी रूम में आपको AC का पॉइंट दिया गया है और ये फुल लेंथ में यहाँ पे वार्डरोब दी गई है। और इस तरफ हम देखते हैं तो ये बैकयार्ड का एरिया है और ये है आपका अटैच वॉशरूम, ये देखिए। और अभी हम देखते हैं दूसरे नंबर का बेडरूम जो फ्रंट साइड में है। ये भी एक अच्छी साइज का बेडरूम है, 10x11 अप्रोच इस बेडरूम की साइज है। फ्रंट साइड में इसमें डोर विंडो है और ये इसकी फॉल सीलिंग की डिजाइन है और ये इस बेडरूम का पूरा स्पेस है। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं सीधा फर्स्ट फ्लोर पर, वहाँ का जो पोर्शन है वो भी देखते हैं। और दोस्तों, जैसे हम आते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ पे भी हमें एक अच्छी साइज का हॉल मिलता है और इसके अंदर हमें फॉल सीलिंग की डिजाइन भी मिलती है। इस तरफ वॉशबेसन है, इस वॉल पे जो डिजाइन है वो आप देखिए। इस तरफ आ जाता है हमारा LED पैनल, ये देखिए। साइज की हम बात करते हैं तो यह हॉल आपको 14x12 की साइज में अप्रोच मिलता है। और यहाँ पर है कॉमन वॉशरूम इसका, ये देखिए।
और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस फ्लोर का मॉड्यूलर किचन। ये देखिए टॉप बॉटम दोनों तरफ कैबिनेट की फैसिलिटी है, ये सामने विंडो दी गई है और ये कुछ स्पेस है इसका। फ्रंट साइड में है इस इंडिविजुअल हाउस का तीसरे नंबर का बेडरूम। 10.5x13 अप्रोच इस बेडरूम की साइज है और ये इसका पूरा स्पेस है। ये फॉल सीलिंग की डिजाइन है, फ्रंट साइड में डोर विंडो है और यहाँ पे है फुल लेंथ में वार्डरोब। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको बालकोनी, ये देख सकते हैं आप, ये बालकोनी है, ये फ्रंट साइड का व्यू है। और अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर का बेडरूम इस इंडिविजुअल हाउस का जो है फर्स्ट फ्लोर पे बेड साइड में। ये देखिए 14x12 अप्रोच इस बेडरूम की साइज है और ये इसका पूरा स्पेस है। ये देखिए काफ़ी बड़ा बेडरूम है और इसके अंदर सीलिंग की डिजाइन, एसी का पॉइंट, इस वॉल पे एक अच्छी डिजाइन, यहाँ पे फुल लेंथ में वार्डरोब्स और इस तरफ आ जाता है बैकयार्ड का एरिया और ये है अटैच वॉशरूम। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं छत पे, आसपास की लोकेशन देखते हैं। बट उससे पहले अगर हम बात करते हैं इस इंडिविजुअल हाउस की रेट की, तो दोस्तों जो डिमांडेबल प्राइस है वो है 46 लाख रुपए, ऑन टेबल ये नेगोशिएबल है। अभी हम छत पे आ गए हैं और सबसे पहले आप देखिए बेड साइड की लोकेशन, ये देखिए आसपास की जो बसावट है वो देखिए, इस तरफ की देखिए और ये दूसरी तरफ है और ये है फ्रंट साइड। तो एक अच्छी लोकेशन है, एक अच्छी साइज़ का विला है और एक अच्छी प्राइस में है। ज़्यादा डिटेल के लिए जो सामने नंबर आ रहे हैं ML के बिल्डर्स के, उनसे आप बात कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी की विजिट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो आपने देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।